फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टेशन्स एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए खैराबाद रेलवे स्टेशन से एक ज़रूरी वीडियो लेकर आए हैं। कुछ रेलवे की जो कमियां हैं उसके बारे में गिनाएंगे, बताएंगे। यहां पर सामने देख सकते हैं रात का 8:30 बज रहा है। 05:88 नंबर की जो ट्रेन है वो खैराबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 35 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं खड़ी हुई है 15010 ट्रेन को क्रॉस कराने के लिए। जबकि जो 15010 ट्रेन है जो मैलानी से गोरखपुर के लिए चलती है वो यहाँ से 8 बजे के करीब में निकल जाती है, लेकिन आज वो ट्रेन 45 मिनट के करीब में लेट है। और जिस समय ये ट्रेन यहाँ पर आई थी खैराबाद रेलवे स्टेशन पर 05:88 जो खड़ी है, तो उस समय वो ट्रेन हड़गांव रेलवे स्टेशन से छूटी थी। जबकि इस ट्रेन को अगर चाहते रेलवे वाले तो आसानी से सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा सकते थे, क्योंकि 8:25 समय रखा गया है सीतापुर पहुंचने का, 8:30 बजे डिपार्चर का समय हो रखा गया है। तो मेरे ख्याल से ट्रेन को क्रॉस आसानी से कराया जा सकता था सीतापुर में, जबकि वो ट्रेन लेट भी थी और अभी भी गेट खुला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, 05:88 नंबर की ट्रेन खड़ी हुई है। तो एक बात समझ से परे है कि किस हिसाब से ये ट्रेन मैनेज करते हैं, किस हिसाब से ऑपरेट करते हैं कि इतनी देर हो गई यहाँ पर 35 मिनट से ज़्यादा के करीब में खड़ी हुई, लेकिन ट्रेन का क्रॉस अभी तक नहीं हुआ है। जबकि सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन केवल 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक ट्रेन तो लेट हुई, अब दूसरी ट्रेन को भी लेट कर दिया। तो फिलहाल ट्रेन का क्रॉस कराने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। स्पीड व्यू भी हम आप लोगों को दिखाएंगे जब तेज़ी से ट्रेन निकलेगी, लेकिन ये ट्रेन का जो मैनेज करने का तरीका है वो बिल्कुल समझ से परे है। क्योंकि जब कोई ट्रेन सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही होती है तो उसको आउटर पे रोक दिया जाता है और सीतापुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो मैलानी गोला लखीमपुर के लोग हैं वो लखनऊ की ट्रेन ना पकड़ पाएँ। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं साजिश की बू भी आती है कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है। जबकि GM साहब को बताया भी था कि टाइम कुछ इस तरह से रखा जाए जिससे कि जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा मैच कर जाए, यानी कि ट्रेन जब 5 बजे सीतापुर से छूटती है तो 4:50 पर ट्रेन आउटर पर होती है, 55 तक आसानी से स्टेशन पर पहुंच जाएगी। उस 5 मिनट में लोग आगे जिनको जाना होता है सिधौली या लखनऊ की तरफ वो आसानी से ट्रेन पकड़ सकेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आप लोगों की क्या राय है इस मामले में, आप लोग कमेंट्स करके जो बताइएगा। तो फाइनली ट्रेन आ रही है। जिस समय मैंने कहा था कि ट्रेन के आने का समय हो गया उसके 10 मिनट बाद ये ट्रेन आई, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेन खड़ी रही वो लगभग 50 मिनट के करीब में। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पीड व्यू, तो 50 मिनट के करीब में ये ट्रेन खड़ी रही 15010 ट्रेन को क्रॉस कराने के लिए। फिर उसके बाद ये 12108 नंबर की ट्रेन आ गई, इस ट्रेन को भी क्रॉस कराया 12108, जो कि सीतापुर से LTT के लिए चलती है। ये भी खैराबाद में आकर यहाँ पर खड़ी हो गई, क्योंकि आगे ट्रेन 15010 गई थी वो कमलापुर नहीं पहुँची होगी, क्योंकि ट्रेन काफ़ी धीमी रफ्तार से गई थी, जिसका स्पीड व्यू आप लोगों ने देखा। तो इस तरह से इस ट्रेन को भी क्रॉस कराने के लिए जो ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी रही वो लगभग 1 घंटा 4 मिनट के करीब में, जबकि सीतापुर यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ पर ट्रेन आसानी से क्रॉस कराया जा सकता था। लेकिन ज़बरदस्ती मुझे नहीं समझ में आया कि इस ट्रेन को यहीं क्यों क्रॉस कराया गया। अब ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से, जो कि समय पर चल रही थी, वो लगभग 40 मिनट के करीब में देरी से चलने लगी, यानी कि 05:88 जिस ट्रेन पर मैं सवार था। इसका वीडियो बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों को बताना भी चाह रहा था कि ट्रेन के मैनेज करने का ये तरीका मुझे नहीं समझ में आया।
तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो और जानकारी, आप लोगों की क्या राय है आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।